ग्रेट मॉर्निंग। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी 100 वीडियो की इस सीरीज में, इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको क्या क्या नहीं चाहिए। तो दूसरी चीज, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप इस चैनल में जाकर वो पहला एपिसोड देख लीजिएगा, और ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। तो दूसरी चीज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए नहीं चाहिए वो है अप्रूवल। यानी आपको किसी से पूछने की या सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है कि इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो समाज है, वो ट्रेडिशनल पैटर्न से सोचने के लिए ही प्रोग्राम्ड हुआ है। यानी हमारे आसपास के सभी लोग पारंपरिक तरीकों से ही सोचते हैं, वो तरीके पैसे कमाने के जो दुनिया के ज्यादातर लोग करते हैं, वही तरीका अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा। यानी अगर आप नौकरी करेंगे तो कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा, यदि आप व्यापार करेंगे तो कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ज्यादातर दुनिया करती है। मगर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आएंगे तो बहुत सारे लोग जो आपके नजदीक के लोग हैं, जो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, आप पर हंस सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं। आपको समझना यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर इतने सालों से चली आ रही है और इतने देशों में चली आ रही है और इतने लोगों की जिंदगियां बदली है, तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, बशर्ते आप पर्याप्त मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, जब शुरुआत में मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे भी वो सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था जो आपको शायद करना पड़ रहा है या करना पड़ने वाला है। आपको भी वो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिनसे हम गुजर चुके हैं। मेरे खुद के घर में मेरे परिवार के लोग भी मेरे खिलाफ थे, किसी ने अप्रूवल नहीं दिया था। इवन मेरी खुद की मम्मी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए शुरू शुरू में मुझे अप्रूवल नहीं दिया था। मेरे अपलाइन जब उससे मिलने के लिए आते थे तो मेरी मम्मी उन्हें दरवाजे से ही ये बोलकर विदा कर देती थी कि सचिन घर पर नहीं है, जबकि मैं घर के अंदर होता था। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि वो मेरा भला चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा भला नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंडस्ट्री पर विश्वास करने के लिए इस इंडस्ट्री की गहन जानकारी लेना, गहन अध्ययन करना जरूरी है, जो उन्होंने किया नहीं था या हमारे आसपास के लोगों ने भी किया नहीं है। तो वो अपनी समझ, अपनी जानकारी, अपने अनुभव के आधार पर हमें सलाह देते हैं। मेरे खुद के करीबी मित्रों ने, बहुत अच्छे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बार आया था। जिनके पास भी मैं गया वो धीरे धीरे मुझसे मिलने के लिए कतराने भी लगे। मगर आज वही दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि आप किस्मत वाले थे कि आप सही समय पर इस इंडस्ट्री में आ गए और आपको ये इंडस्ट्री समझ में आ गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले वक्त में आपको भी लोग किस्मत वाला कहेंगे, क्योंकि सही समय है आज और अभी। कोई भी समय खराब नहीं होता। आज से 50 साल बाद भी लोग यही कहेंगे कि पहले ज्वाइन कर गए होते तो कामयाब हो जाते, और उसी समय ऐसे भी लोग होंगे जो ज्वाइन करेंगे और फिर भी कामयाबी को हासिल करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप एक सही कंपनी में हैं तो कभी भी देर नहीं होती। मेहनत करने वालों की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटी, अवसर सभी के लिए बराबर मौजूद है। तो किसी का अप्रूवल लेने मत जाइए, किसी से पूछने मत जाइए।
आप स्टडी कीजिए, आप अध्ययन कीजिए, आप माहौल देखिए, आप किताबें पढ़िए। बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी, नेटवर्क मार्केटिंग के छुपे हुए 8 फायदे पढ़िए, आपका विजन क्लियर होगा कि ये इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो आप स्टडी कीजिए और अपने विवेक से, अपने दिल की आवाज से फैसला लीजिए, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सो और क्या नहीं चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, वो हम कल के एपिसोड में देखेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का अप्रूवल नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। टेक केयर, स्टे ट्यून एंड लीव लाइक ए लीडर। थैंक यू, बाय बाय।